विकास के अंधा दौर में हमन जाने अनजाने में अपन पर्यावरण ला काफी नुकसान पहुंचाथन। फिर देश में कई ऐसे लोग भी है जो अपन प्रयास से पर्यावरण ला हरा भरा बनाए की कोशिश में जुटे हैं। और रूबरू करवाथन कुछ ऐसे लोगन से जो पर्यावरण ला बचाए के प्रयास कर मिसाल कायम करे थे। बात कर वो गरियाबंद जिला के नगर पंचायत छुरा में समाज सेवी संस्था द्वारा हर घर पौधा के कार्यक्रम आयोजित करे गए, जेमा छुरा प्रतिनिधि के संग कृषि विभाग और क्षेत्र के अन्य कृषक गण उपस्थित रही। संगे संग पौधा ला वितरण भी करे गई और बस स्टेशन में लोगन मन बा प्याऊ घर के शुभारंभ करे गई। ये उद्देश्य से नगर के समाज सेवी मनोज पटेल, बलराम चंद्राकर, शीतल ध्रुव, रूपनाथ बंजारे और अन्य समाज सेवी साथी के तत्वाधान में ये कार्यक्रम ला आयोजित करे गई। पौधा महाअभियान आज हमारे छुरा नगर में किया गया और पर्यावरण के संबंध में सबको संदेश दिया गया और यहाँ देश दुनिया में और हर क्षेत्र में यहाँ काफ़ी गंभीर विषय है। आज पर्यावरण के प्रति आज लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है क्योंकि आज हमारा पर्यावरण बहुत ही विषम परिस्थिति से आज गुजर रहा है और लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इसे जागरूक होना भी चाहिए क्योंकि हमारे पर्यावरण में बहुत ही कारखाना फैक्ट्री सब लगे हुए हैं और सब धूमिल हो रहे हैं। हर घर पौधा महाअभियान 2021 नगर के समाज सेवी बलराम चंद्राकर जी, मनोज पटेल, रूपनाथ बंजारे, शीतल ध्रुव जी के द्वारा जो आयोजित है, इसका एक ही उद्देश्य है कि आज पर्यावरण इतना प्रदूषित हो रहा है कि सांस लेना दुर्भर हो गया है। तो हम ये विषय पूरा विश्व के लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो हमने देखा हम देश के युवा हैं और युवा भारत देश में सबसे अधिक है और युवा भी वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा ग्रसित है। तो हमने सोचा सबसे ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तो इस विषय को लेकर हमने देखा कि जो पेड़ पौधा होता है ऑक्सीजन देता है, शुद्ध ऑक्सीजन देता है। हर घर पौधा का उद्देश्य है पर्यावरण ला बचाए के खातिर हम लोग किसानों को जागरूक कर रहे हैं और आने वाला पीढ़ी को बचाने के लिए हम लोग पौधा का अभियान चालू कर रहे हैं और हम लोग महिला कमांडो और अन्नदाता किसान भाई को हमने प्रोत्साहित करने के लिए गमछा, साड़ी, श्रीफल से सम्मानित किए हैं। तय बेर रुकथन छोट कन ब्रेक बा, आप मन बने रहा आप मन के अपन चैनल न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़ में।